2019 में डैम को पूरा करना था, लेकिन चुनाव करीब आने की वजह से राज्य सरकारों ने मिलके इस बांध को 2018 में पूरा करके और ताबड़तोड़ इसको बना के और इसके फाटक लगा दिए गए, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ। एक से तो उन्हों की जमीनें भी बिना काम से डूब में गई अभी तक, जो पानी उपयोग में नहीं आ रहा है उस पानी को रोक रखा है इन्होंने। दूसरा, जो मकान पुराने बने हुए थे किसानों के, उनका कोई सामान खोल नहीं पाई है। बहुत सारों का तो ये आलम रहा कि उनके खाने पीने की चीजें तक डूब गई। जून में 2018 के जून में बताया गया कि आपको यहाँ से हटना है और पानी हम रोकेंगे पूरा ही, और हमारा बांध पूरा हो चुका है। पानी कब आया फिर? बस जुलाई से पानी हो गया। अच्छा, जुलाई में पूरा गांव डूब में आ गया, पानी आ गया। किसान निकल निकल के भागा बेचारा, अपनी अपनी जान बचाने के हिसाब से निकला। कितने परिवार थे उस पर? उस टाइम पे तो वही 1500 पर जनसंख्या का गांव था, और पूरी 1500 जनसंख्या उसी टाइम पे निकल के भागी, बस एक हफ्ते के अंदर अंदर ही। किसी के पास मकान तैयार नहीं हुआ, उसके बाद भी वो तंबूर में रहा, कोई स्कूलों में रहा, दूसरी जगहों पे, कोई दूसरे रिश्तेदारों के रहा। 90 बीघा जमीन थी हमारी, और जिसके बाद में 2000 पेड़ संतरा था, उसका भी मुआवजा हमें जमीन का और संतरे का तो बिल्कुल भी नहीं दिया। जमीन का मुआवजा पूरा नहीं मिला हमें। कैसे बीघा मिल रहा था? 2.5 लाख का बीघा दिया सर। अच्छा, तो उस हिसाब से जो मिलना चाहिए था आपको नहीं मिला? हाँ, जो हमें उस हिसाब से पैसा मिलने का था वो नहीं मिला। अच्छा। पाइपलाइन का पैसा भी नहीं मिला। और जिसके बाद में श्री राम मंदिर था हमारा निजी, अच्छा, उसका भी 1 रुपया भी नहीं दिया, मना कर दिया। क्या मंदिर के क्या पैसे है? वो तो भगवान है, क्या पैसे है उनके? तो आपने बताया नहीं? बताया मैंने कि मंदिर में हमने पैसे लगाए या फिर हमें मंदिर बना के दो, तो कि नहीं दे मंदिर भी बना के। अब क्या करते हैं? खेत तो डूब गया। करते हैं नहीं सर, खेती है पे, ऐसे मजदूरी कर रहा है। बांटे है कोई का, कहीं अधिकारी है। तो यानी पहले खेती करते थे, जमीन डूबने के बाद अब मजदूरी कर रहे हैं दूसरे के खेत में। कितना कमा लेते हैं? कहीं अभी आपके लगे है, अभी कहीं कमा, आपके अगले फसल आएगी जब सूझ पड़ेगी कितना कमे लो। तो फिर कैसे गुजारा होगा? पहले तो अपना अपना था सब। हाँ, तो पहला तो था, अब तो राम जी जो करेगा जो सही। और पैसा जो मिला फिर उससे जमीन नहीं खरीद रहे? तो जमीन मिली तो नहीं, कैसा खरीद? मिल नहीं रही। मलिया 2.5 लाख के हिसाब से 5 लाख की बीघो मांग रही है। 5 के बीघा से मिल रहा है? कैसा ले लो? डूब क्षेत्र का जो शेड्यूल था डूब का, 3 चरणों में होना था, 1, 2 और 3, लेकिन चूंकि चुनाव थे 2018 में, तो शेड्यूल को 1 साल जो है सरकार पहले कर दिया गया, और उसकी वजह से कई सारे गांव में डूब जो है 1 साल पहले आ गई, जिसकी सूचना उनको मात्र कुछ दिन पहले दी गई। और इसके बाद जो है तुरंत बाद डूब क्षेत्र के आने के बाद उसका डैम का उद्घाटन कर दिया गया, ताकि चुनाव में इसका फायदा उठाया जा सके कि भाई हमने ये डैम बनवा दिया लोगों के लिए। यही पानी अगर 2020-21 में रोकते, जब नहरों की जरूरत लगेगी तब पानी रोकना था। अगर जब तक पानी अगर ये रोकते तो हम 4 साल अपनी फसल कमाते, दोनों सोयाबीन की भी और गेहूं चनों की भी, तो हमारा करोड़ों का नुकसान किसानों का हुआ, जितने भी हमने डूब क्षेत्र में गाए। और ये सब इन्हों की मेहरबानी रही। ये तो लक्ष्मीपुरा था। अच्छा, ये इधर लक्ष्मीपुरा था। अच्छा, या आसपास की जमीन बची है? अच्छा, या कहीं की का तो मुआवजा मिल गया, कहीं की का नहीं मिल गया। अच्छा, एक ये डाबली का रहने वाले जो कहीं तो जीरापुर में चले गए, कहीं का 1-2 घर नहीं है और आप ना बस रहे। अच्छा, और कितने परिवार थे इधर लक्ष्मीपुरा में? हाँ, लक्ष्मीपुरा में एक ही परिवार थे। कितने लोग रह रहे थे? मतलब करीबन 40-45 घर। 40-45 घर। और कायथा में? कायथा में 50-60 घर। 50-60 घर था, सब डूब गए? सब डूब गए। कि एक चिड़िया अगर अपना घोंसला बनाती है, तो अगर कोई उस घोंसले को वहां से उखाड़ के फेंक देता है, तो उस चिड़िया उस जगह पे बार बार आती है कि उसका घोंसला था, तो फिर हम लोगों से तो हमारा वतन छीना गया है। ₹3,600 करोड़ का जो डैम था, इस डैम के साथ साथ इसमें जो है सिंचाई का नेटवर्क भी शामिल था, बनाना भी उसमें शामिल था प्रपोजल में। हाँ, प्रपोजल में ओरिजिनल जो उसको पर्यावरण विभाग की और मंत्रालय की जो स्वीकृति मिली थी उसमें ये था, लेकिन क्योंकि डैम बनने में ही 3,600 करोड़ खर्च हो गए, तो इसलिए सिंचाई का नेटवर्क खड़ा नहीं हो पाया। इसके चलते 2 साल से डैम बना पड़ा रहा, और अब जो है उन्होंने एशियन डेवलपमेंट बैंक से 1,300 करोड़ का लोन लिया है एमपी गवर्नमेंट ने। एमपी गवर्नमेंट ने, और वो लोन जो है
दे दिया है L&T प्राइवेट पार्टी को, एक कंपनी को जो कि इसको बना रही है। तो उससे चलते क्या हुआ है कि चूंकि कंपनी बना रही है तो कंपनी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत से लेकर के पानी सप्लाई करने तक पूरा जो है 11,000 करोड़ रुपए पर हेक्टेयर वो वसूलेगी किसानों से। अब इसमें ये क्लैरिटी नहीं दी है कंपनी ने कहीं भी, L&T ने अपने पेपर्स में, कि वो 11,000 रुपए प्रति एकड़ जो लेगी वो एक सिंचाई का है, दो सिंचाई का है, एक साल का है या एक रबी या फसल का है, ये अभी सब अंधेरे में है। तो ये जो है इसके इसका सबसे बड़ा खामियाजा किसानों को ये भुगतना पड़ेगा कि बहुत भारी रेट पे देना पड़ेगा, इसको चुकाना पड़ेगा ऋण। नुकसान किसानों को ये है कि अब अगर इतना खर्चा करके ये ड्रिप इरिगेशन और इस तरह का अरेंजमेंट ला रहे हैं तो पहले से ही किसान से तो पूछ रहे, लेकिन ये हाई वैल्यू क्रॉप्स की बात कर रहे हैं तो ये क्रॉप्स डेफिनेटली यहाँ की लोकल क्रॉप्स नहीं होगी, तो उसके लिए क्या अलग से जो खर्चा है पॉली हाउस है या उस तरह का नियोजन है, वो पूरा प्लानिंग थोड़ा अदृश्य सा है भाई, किस तरह का इसमें खेती होगा तो ये भी क्लियर नहीं है। एक बार आपने अगर ये पेमेंट कर दिया, अगर आप खेती नहीं भी कर रहे तो उसका तो काम हो ही गया, कॉन्ट्रैक्टर ने तो खर्चा करके अपना पैसा तो ले लिया, तो उसमें दृढ़ निश्चय ये नहीं दिख रहा है कि इसमें हम किसानों की आमदनी कैसे बढ़ाएंगे, जैसे कि अभी आजकल बात हो रही है, लेकिन इसमें डेफिनेट प्लान नहीं दिख रहा है। Thank you.